प्रदेश में चोरी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र का है, जहां सीडी बालिका उच्च विद्यालय में बीती रात अपराधियों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने स्कूल में लगे कंप्यूटर, सीपीयू, 3 टैब समेत अलमारी से 29,000 रुपए की चोरी की। हालांकि भागते भागते चोरों ने चोरी में प्रयुक्त किए गए हथियार और पीतल, कांसे के बर्तन स्कूल में ही छोड़कर फरार हो गए। आनन फानन में स्कूल की प्रभारी प्राचार्या ने पुलिस को चोरी की घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस स्कूल में लगे सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही है। इस मामले पर एएसआई लालेंद्र सिंह का कहना है कि स्कूल की प्रभारी प्राचार्या की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल सीसीटीवी में तो चोरों के चेहरे नजर नहीं आ रहे, आसपास के लोगों से पूछताछ की जाएगी। वहीं इस चोरी के बारे में प्रभारी प्राचार्य नूतन सिन्हा का कहना है कि स्कूल में चोरी होने से काफी नुकसान हुआ। अभी बच्चों के रजिस्ट्रेशन होने हैं, जिसका काम बीच में ही रुक गया। साथ ही कंप्यूटर में सेव डेटा रिकवर करने में दिक्कत आ रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक चोरों को पकड़ने में कामयाब होती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कोडरमा से मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट।